मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे चैनल में कार ऑडियो गुरु हिंदी में। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, आप वीडियो का थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मिड बेस स्पीकर क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने आप सब लोग यूट्यूब देख रहे हैं आजकल, तो यूट्यूब का ज़माना है, तो आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि जो हाई एंड ऑडियो सेटअप्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि दरवाज़ों में बहुत सारे 8-8, 10-10 स्पीकर लगे होते हैं और 5-5, 6-6 एक एक साइड पे ट्विटर्स लगे होते हैं, सब ऑफर्स लगे होते हैं और बहुत दूर से सुनाई देते हैं, बहुत क्लियर, बहुत क्रिस्प साउंड करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? वो कोएक्सियल स्पीकर क्यों नहीं लगाते? वो कंपोनेंट स्पीकर क्यों नहीं लगाते? वो कंपोनेंट क्यों प्रेफर नहीं करते? उसका रीज़न क्या है? तो फ्रेंड्स ये हमारे, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये हमारे रिबल ऑडियो की मिड बेस है, ये फेराइट मैग्नेट वाली है और ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्रिस्टल क्लीन, बहुत ही क्रिस्प साउंड करती है। और फ्रेंड्स अब फिर से टॉपिक पर आ जाते हैं कि मिड बेस क्या होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, मिड बेस की जो फ्रीक्वेंसी है, अब इसका जो काम है वो है सिर्फ वोकल्स को प्ले करना, क्रिस्टल क्लियर वोकल हमारे तक पहुंचाना, और हाईज में भी ये थोड़ा बहुत चला जाता है। इसका जो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो होता है 500 हर्ट्ज से लेके 2000 या 3000 हर्ट्ज तक। ये डिपेंड करता है कि अब जो मैन्युफैक्चरर है उसने इसको कैसे बनाया है, कैसे इसकी FS क्या है, इसको कैसे ट्यून किया है, मतलब ये इसका डिज़ाइन कैसे इसको किया हुआ है, इसका पर्पस क्या है, इसका एंड, इसका यूज़ क्या है, किस यूजेज के लिए है ये। तो मोस्टली जो मिड्स होती हैं वो जो फ्रीक्वेंसीज प्ले करती हैं वो करती हैं इन बिटवीन 500 to 4000 हर्ट्ज या 3000 कह लेते हैं, 4000 ज़्यादा हो जाएगा, 500 to 3000, ये वाला जो पर्टिकुलर है इससे मैं प्ले करता हूँ 500 to 3000, बहुत ही क्लीन साउंड करता है ये 500 to 3000, किसी और की बात नहीं करते, इसी की बात कर लेते हैं, ये प्ले करता है 500 to 3000 हर्ट्ज तक। तो अब सपोज करिए मैंने कोई साउंड स्टेज बनाना है, जैसे कि अब मेरी गाड़ी में भी चलिए थोड़ा बहुत ठीक ठाक सेटअप लगा हुआ है, तो अब मैंने अपनी गाड़ी में क्या किया, मैंने बेस के लिए वूफर लगा लिया, ठीक है, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी गाड़ी में न्यू मैग्नेट वाले मिड बेस लगी हुई है, और मिड बेस के लिए, आवाज़ के लिए मैंने अपनी गाड़ी में ये स्पीकर लगा लिया, मिड बेस लगा ली ये आवाज़ के लिए, बेस के लिए वूफर, आवाज़ के लिए ये, और आवाज़ को और ज़्यादा साफ करने के लिए मैंने ट्विटर लगा लिया। तो ये मेरा साउंड स्टेज बन गया, बिल्कुल क्लीन, हर एक चीज़, हर एक फ्रीक्वेंसी बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छी साउंड करेगी। आप समझे फ्रेंड, जैसे अब एक जो 6x9 का जो कोएक्सियल है, अब वो बेस भी निकालता है, आवाज़ भी निकालता है और उसमें ट्रेबल भी आती है, तो वो ये तीनों काम कर रहा है। बट हम क्या करते हैं, हम इन तीनों चीज़ों को अलग अलग कर लेते हैं। बेस के लिए मैंने सब ऊपर ले लिया, आवाज़ के लिए मैंने ये मिड बेस ले ली, और ट्विटर्स के लिए और छन छन के लिए मैंने ट्विटर्स ले ली। तो ये मैंने अपना साउंड स्टेज कम्प्लीट किया अलग अलग अलग, क्यों? क्योंकि मेरा जो सेटअप है वो बहुत लाउड है, मुझे हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लीन सुनने की आदत है, मुझे हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लीन सुननी है, लाउड सुननी है। और जितना आप फ्रिक्वेंसीज को अच्छा प्ले करेंगे, जितना आप जिस चीज़ का काम होगा, जैसे आप सपोज करिए कि अब ट्विटर में से अगर आप चाहें कि बेस निकले, तो वो बेस उनमें से नहीं निकलेगी, उनका जो काम है वो है सिर्फ ट्रिबल निकालना, छन छन निकालना, और उनमें से वो निकलती है सिर्फ, उनमें से कोई वोकल वोकल नहीं आ सकते। वोकल्स के लिए फ्रेंड्स ये हो गए, मिड बेस का काम है वोकल्स, सिर्फ वोकल्स, मिड बेस 500 हर्ट्ज से लेकर 3000 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी है वो ये प्ले करेंगे, उसके ऊपर 3000 से लेकर जितना आपका ट्विटर अच्छा होगा, जितना उसका डायफ्राम अच्छा होगा, जैसे वो बिल्ड हुआ होगा, जो मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाना चाहे, 3000 से लेकर मोस्टली तो 5000 से लेकर 27, 30, 20, 21000 इतने तक चले जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया है, कौन सी कंपनी से परचेस किया है, तभी मैं कहता हूँ कि कुछ हर एक चीज़ एक्चुअली मैंशनड होती है बॉक्स पे, बट आप लोगों को पता नहीं होता है कि अब ये लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है। जैसे अब हम गाड़ी लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये 1000 cc की है, ये 1500 की है, ये 2500 की है, तो वैसे ही स्पीकर्स की भी हर एक स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं डब्बे के ऊपर, बॉक्स के ऊपर, उसमें एक चार्ट होता है, हमारे भी सब ऊपर के ऊपर TS स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं अच्छी तरह से कि इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, ये कैसा प्ले करता है, इसका बॉक्स कैसा होना चाहिए। तो बिल्कुल, जब ये जानकारी आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, और ये मैं आप लोगों को हिंदी में ही दे रहा हूँ,
और अगर फिर भी फ्रेंड्स अगर मेरी कोई बात क्लियर नहीं होती है तो प्लीज़ आप लोग, एक्चुअली होता क्या वीडियो बनाते टाइम कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं तो याद नहीं रहती, क्योंकि मैं कुछ भी पहले लिखता नहीं हूँ, कोई प्रिपेयर नहीं करता वीडियो बनाने से पहले। तो आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई क्वेरी होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मे भी हो सकता है कोई चीज़ मिस हो गई हो वीडियो बनाते टाइम, क्योंकि मैं वीडियो भी खुद ही बनाता हूँ। तो अगर आप मुझसे कोई चीज़ मिस हुई है तो आप फेसबुक पर कमेंट कर अपना सॉरी यूट्यूब पर कमेंट कर नीचे वीडियो के आप पूछ सकते हैं, तो आपके कमेंट का मैं एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स मैं होप करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि अब मिड बेस का क्या काम है, और हम लोग मतलब कि सपोज करिए जो दूसरी जो हाई एंड सिस्टम वाली गाड़ियां हैं वो स्पीकर क्यों लगाते हैं, और ट्विटर अलग क्यों लगाते हैं, और बेस वूफर अलग क्यों लगाते हैं, तीनों चीज़ें अलग क्यों होती हैं। तो मुझे लगता है आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऐसा क्यों होता है, और ये जो मिड बेस है इसको मिड बेस बोलते हैं, इसका क्या काम है, ये आपको मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक में। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो।